हेलो गाइस, सो गाइस आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि अगर आप लोग गे या फिर लेस्बियन हैं तो आप लोग अपने घर में कैसे बताएं, अगर आप बायसेक्सुअल हैं तो भी आप कैसे बताएं अपने घर में, यानी अपने पेरेंट्स को, अपने मम्मी पापा को कि मैं गे हूँ या मैं बायसेक्सुअल हूँ या मैं लेस्बियन हूँ। तो उस सिचुएशन में, क्योंकि गाइस बताना एक सबके लिए बहुत बड़ा टास्क होता है कि कैसे बताएं, और ये भी हम जानते हैं कि बताना ज़रूर चाहिए सबको, ऐसा नहीं कि ना बताएं, हमें सब कुछ बताना चाहिए। बाकी अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो आपको पता होगा ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि बताना ज़रूरी है उनको, ठीक है। तो खैर, आज की इस वीडियो में बात करूँगा कि आप लोग कैसे बताएंगे, और इससे भी पहले मैं बताऊंगा कि मैंने कैसे बताया था अपने घर में, और जब मैंने बताया था तब क्या क्या मेरे साथ हुआ था, वो सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूंगा। बट उससे पहले एक छोटी चीज़ कहना चाहूंगा कि थैंक यू सो मच गाइस, फाइनली 3K सब्सक्राइबर्स होने वाले मेरे चैनल पे गे प्रेम पे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने भी 3K सब्सक्राइबर्स को कर लिया है। अभी होने वाले, अभी हुए तो नहीं है, लेकिन हो सकता है जब आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो हो चुके हों 3K पूरे। तो थैंक यू सो मच जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया है, तो थैंक यू सो मच, और जिन्होंने नहीं किया तो कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि मैंने अपने घर में कैसे बताया दैट आई एम गे, ठीक है। सो एक मूवी आई थी बॉलीवुड में, देखो ऑब्वियसली बात है, जब मैंने 12th किया था ना अपना, तो मुझे खुद पता नहीं था दैट आई एम गे। 12th में ऑनेस्टली मुझे पता ही नहीं था, और तब मैं तकरीबन 17-18 साल के बीच में था, ठीक है, जब मैंने 12th किया था। तो उस टाइम पे मुझे कुछ पता नहीं था, क्योंकि हाँ हमने छोटी क्लास में पढ़ा होगा सम लैंग्वेज, विषम लैंग्वेज, व्हाटएवर कुछ चीज़ें पढ़ी होंगी हमने, बट उतना ध्यान नहीं देता है कोई भी उन चीज़ों पर, क्योंकि उसका मतलब नहीं बताया जाता है स्कूलों में, है ना। तो मुझे भी कोई ये तब पता नहीं था ऐसे कि क्या होता है। तो फाइनली मुझे खुद अपने आप पे कन्फ्यूजन रहता था। अगर आपने मेरा एक वीडियो देखा जिसमें मैंने बताया था कि मेरा फर्स्ट लव एक किसके क्लासमेट के साथ हुआ था मेरा, वो मैंने बताया था स्टोरी, तो आपको पता होगा कि इसमें मैंने कहा था कि मुझे पता नहीं क्यों स्टेट से हुआ, तो वो चीज़ उस टाइम पर मुझे पता ही नहीं थी। तो वही है कि जैसे मेरा इंटर हुआ तो मुझे पता नहीं थी चीज़, जब इंटर के बाद मैं कॉलेज में पहुँचा ना तब मुझे पता चला ये सारी चीज़ें, क्यों, क्योंकि उस टाइम पर क्या कहते हैं जियो वगैरह आ गए थे, काफ़ी सारे डाटा नेट, हालांकि पहले से ये चीज़ें थी बट जियो इतना ज़्यादा नहीं लेके आया था, उससे पहले एयरटेल वगैरह थी बट इतना ज़्यादा कोई यूज़ भी नहीं करता था, है ना। तो मैंने क्या किया कि मैंने मेरे हाथ में पहला फ़ोन आया इंटर करने के बाद, ठीक है। हाँ, इंटर से पहले फ़ोन था बट वो कीपैड था, जब मैंने 12th कर लिया था, 2017 में कर लिया था मैंने 12th, तो 2017-18 में। तो क्या हुआ कि जैसे ही मेरे हाथ में फ़ोन आया तब मैंने सर्च करने लगा, ऐसे बॉय टू बॉय ऐसे सर्च करने लगा पोर्न वीडियो, तो आप लोग जानते हैं ना कि वो टीनेजर में था मैं, तो उस टाइम पर वो चीज़ें कुछ वैसी पता नहीं थी, तो मैं बॉय टू बॉय ऐसे लगता था, बॉय टू बॉय, तो उस तरह की वीडियो आती थी, एंड देन उसके नीचे लिखा होता था गे, बायसेक्सुअल, इस तरह की चीज़ें। तो मैं धीरे धीरे, मुझे पता चला कि गे मतलब क्या होता है, बायसेक्सुअल मतलब ऐसा कुछ होता होगा, ठीक है। उसके बाद गाइस क्या हुआ कि जब मैंने ये चीज़ें तो सर्च करके देख ली, बट उसके बाद तब मुझे एक टाइम पर जाके एहसास हुआ दैट आई एम गे। फिर मैंने सोचा कि चलो अपने घर वालों को बताना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा था क्योंकि मुझे लड़के से क्यों प्यार हो रहा है, ये सब चीज़ें। तो मैंने खुद को पहले समझा अपने आप को, मैंने पहले खुद को एक्सेप्ट ही नहीं किया कि मैं गे हूँ, मैं कहता था नहीं नहीं मैं हूँ तो बायसेक्सुअल हूँ, गे मैं हूँ ही नहीं, इस तरह की चीज़ें मैं अपने आप को बोलता था। और क्योंकि जब आप ऐसी सिचुएशन में होते तो आपको खुद समझ में नहीं आ रहा होता, जब आपको समझ में आता तब आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो मुझे बहुत टाइम लग गया अपने आप को एक्सेप्ट करने में, ठीक है कि मैं गे हूँ, क्योंकि ये हो या बायसेक्सुअल हो तो आप एक ही कम्युनिटी से, है ना। सो फाइनली क्या होता है कि जैसे मुझे ये खबर पता चली, मतलब अपने आप को एक्सेप्ट किया मैंने, देन उसके बाद जैसे ही मैंने खुद को एक्सेप्ट किया ना, आई फील कि मैं एकदम फ्री हूँ और मैं बहुत ही खुश हूँ, एकदम ऐसा प्राउड फील होने लगा फिर धीरे धीरे, क्योंकि मैंने उस नज़र से उसको देखना बंद कर दिया। जैसे कि अगर कोई स्ट्रेट बंदा सोचता होगा, मे बी सारे स्ट्रेट के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं, कुछ होते होंगे क्योंकि ये मतलब कुछ गलत तरीका डाउन ऐसा कुछ सोचते होंगे, बट मेरे माइंड में ऐसी चीज़ें बनने लगी थी कि मैं गे मतलब ही एकदम अप सोचूं, डाउन नहीं, मतलब उसको नीचे ना दिखाऊं ऊपर ही रखूं, है ना। फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो भाई अब टाइम आ गया कि अपने घर वालों को सच्चाई बताया जाए, ठीक है। तो क्योंकि मैं अकेला लड़का हूँ अपने घर में, मैंने बता रखा है, तो क्या हुआ गाइस कि मैंने सोचा कि पहले किसको बताया जाए। मैंने सोचा कि पहले उसको बताया जाए अपने घर में जो मुझे शायद जल्दी समझ पाए इन चीज़ों को। तो ऐसा तो कोई था नहीं भाई, मैं साफ साफ बोलूँगा, मेरे घर में जिसको LGBT के बारे में जरा सा भी 1% भी कुछ पता हो ऐसा कुछ नहीं था, और ऊपर से पुरानी जो बॉलीवुड मूवीज़ में दिखाया जाता था वो भी गे को गलत तरीके से दिखाया जाता था, जो कि ऐसा होता ही नहीं है, गे तो कभी ऐसे होते ही नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि भाई किसी को तो बताना पड़ेगा, तो मैंने कुछ टाइम लिया, 2-4-6 महीना आराम से। उसके बाद एक मूवी रिलीज हुई थी बॉलीवुड में, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, जो कि लेस्बियन लव स्टोरी के ऊपर बेस्ड थी, ठीक है। सो मैंने सोचा कि वाह, पहली बार बॉलीवुड में ऐसी कोई मूवी, हालांकि इससे पहले आई हुई होंगी बट इतना ज़्यादा डीप नहीं दिखाया गया होगा, और एक लड़की में देखा तो ऐसा लगा, उसमें भी इतना डीप नहीं था बट हाँ फिर भी हमारे टाइम के अकॉर्डिंग था उसमें। तो मैंने सोचा कि भाई ये मूवी किसी को रिकमेंड करना चाहिए, तो मैंने अपनी छोटी बहन को बोला, छोटी मतलब मेरे से बड़ी है, ठीक है, मेरे से बड़ी है, मैं घर में सबसे छोटा हूँ, तो मेरी 3 sisters हैं और तीनों सिस्टर मेरे से बड़ी हैं और तीनों अब तो मैरिड हैं। मेरी छोटी सिस्टर की उस टाइम पर शादी नहीं हुई थी, ठीक है।
सो मैंने डिसाइड किया था कि क्योंकि वो मेरे से बड़े भी थी तो मुझे लगता था कि वो शायद वो ज़्यादा से समझेंगे, है ना। तो मैंने कहा था कि उनको वो मूवी देखनी चाहिए, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। देन उन्होंने मैंने मैं काफ़ी बार एक्चुअली बोला कि देखनी चाहिए, तो मैं मूवी बहुत एक अलग सी लव स्टोरी इस तरह से बोला था मैंने। तो उन्होंने क्या किया गाइस, ध्यान दीजिए यहाँ पे, मैंने कभी भी ये नहीं बोला कि मैं गे हूँ या मैं ऐसा हूँ। मैंने ये बोला कि मूवी आपको देखनी चाहिए, तो मैं बहुत अच्छी मूवी है, ठीक है। तो उसने कहा कि ठीक है। तो उसने देखा, एक लड़की देखा तो ऐसा लगा। देन वो देख के आई, तो मैंने उससे पूछा कि कैसी थी मूवी। मैंने खुद नहीं देखा था, लेकिन मैं उसको बोला था कि तू देख ले, क्योंकि ये था कि नहीं कि भाई मैं देखूँ ना देखूँ फ़र्क नहीं पड़ता, वो लोग देखे तो ज़्यादा फ़र्क पड़ता है ना। तो गाइस क्या हुआ कि उसने कहा कि हाँ थोड़ा अलग तो था। फिर मैंने उससे पूछा कि अगर जो लोग इस तरह से होते हैं तो क्या लगता है, मतलब कि ठीक है वो या कुछ गड़बड़ है मतलब है। तो उसने कहा कि ठीक है, अब जैसा है तो है, मतलब जैसे भगवान ने बनाया। तो ये चीज़ मैंने सुनी तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी फील हुई थी कि चलो वही कुछ तो असर हुआ होगा मूवी देखने का, और एक नई चीज़ उनको पता चली होगी शायद, ठीक है। सो मैंने क्या किया कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी, बट फिर भी मैंने ये नहीं बताया था तुरंत ही कि मैं गे हूँ, ठीक है। उसे कुछ टाइम बाद मैंने बताया था कि धीरे धीरे करके कि मैं गई हूँ, ठीक है, मुझे बॉयज में इंटरेस्ट है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो मैंने जैसे ही बताया था उनको, तो उनको तो यकीन नहीं हुआ है। तो उन्होंने मेरे से आके पूछा कि ये सच है क्या मतलब ठीक है, मैंने जैसे ही पूछा तो उनको मतलब पहले डाउट में थी कि ऐसा हो भी सकता नहीं भी हो सकता, तो वो मेरे से पूछने वाली थी। तो फाइनली उन्होंने पूछ लिया कि ऐसा है क्या, तो मैंने कहा कि हाँ मैं गे हूँ, ठीक है। तो मैंने ये चीज़ बोली तो मैं मतलब बहुत ही ऐसा लगता था, मेरे माइंड से एकदम स्ट्रेस चला गया एकदम अचानक से है। हालांकि बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम भी आई थी मेरी लाइफ में जो मैं बताऊंगा आपको, तो वो चीज़ें हुई जैसे ही। तो फाइनली मैंने उनसे कहा था कि अभी मम्मी पापा को मत बताना अभी इस टाइम पर, और बड़ी वाली दीदी को भी नहीं। बट उन्होंने क्या किया कि शायद उन्होंने सोचा होगा कि मैं बड़ी वाली दीदी को बता देती हूँ, उसके बाद वो नहीं बताएंगी मम्मी पापा से अभी, ऐसा उन्होंने सोच के बता दिया। तो फिर बड़ी वाली जो मेरी सिस्टर हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोल दिया मम्मी को और मम्मी से पापा को, मतलब एक तरह से सबको पता चल गया मेरे घर में, ठीक है। सो मैंने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी, मतलब मैं नहीं चाहता था कि उस टाइम पर पता चले, मैं चाहता था थोड़ा टाइम लगे और उसके बाद धीरे धीरे करके चीज़ें सामने लाऊं मैं। बट वो सब चीज़ें वो क्यों कहते हैं ना कि जब जो होना होता है ना वो हो ही जाता है, ठीक है। शायद उसी टाइम पर लिखी थी वो चीज़ें। तो फाइनली पापा जैसे ही ऑफिस से आए शाम को, मम्मी सब लोग एक साथ हुए, मतलब वो सिस्टर दोनों तो मेरी मैरिड थी तो वो तो अपने घर पर थी, बट छोटी वाली सिस्टर वहीं पर थी। तो उन्होंने पूछा मम्मी पापा ने कि ये सब क्या है, मतलब बहुत ही रोने लगे वो जैसे ही उन्होंने ये चीज़ सुनी। मम्मी स्पेशली रोने लगी थी, पता नहीं भाई क्यों रोने लगते हैं यार, मुझे लिटरली समझ में नहीं आता है। और तो वो रोने लगी थी बहुत ज़्यादा, तो मुझे बिल्कुल बुरा फील हो रहा था कि मैं बता रहा हूँ इनको ये सारी चीज़ समझा रहा हूँ और ये एक तरफ से रो रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे फील हुई। और फाइनली क्या हुआ गाइस कि मैंने ठीक है, मैंने अच्छे से उनको समझाया, एक आध वीडियो भी दिखाई यूट्यूब से, जो कि आपको पता है किस तरह की वीडियो थी, जो कि एलजीबीटी को एक एक मतलब सेम कैटेगरी में रखती थी, जैसे स्ट्रेट होते जैसे एलजीबीटी रिस्पेक्ट देते हैं, इस तरह की प्राउड होने जैसे कुछ वीडियो दिखाई मैंने। बट फिर भी शायद उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये चीज़ें बहुत जल्दी में हुई ना, इसी वजह से उनको समझ में नहीं आया था। अगर वो चीज़ें धीरे धीरे करके होती तो हर एक चीज़ उनको समझा पाता। अब अचानक से वो सारे लोग आ गए और मेरे से पूछ रहे हैं, मैं मतलब 5 मिनट में उनको बताऊं, तो 5 मिनट में मैं क्या क्या समझा सकता हूं उनको, है ना। सो मैंने ये चीज़ तो उनको बता दी थी कि मैं खुश हूं, मुझे कुछ भी बिल्कुल ऐसे दिक्कत वाली बात नहीं। बट शायद मम्मी को ये लगता था कि मुझे कोई दिक्कत है या मैं खुश नहीं हूँ, इस तरह की चीज़ें थी, तो उनको बहुत दुख हुआ और मम्मी तो रोती थी, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि 1-2 दिन तक तो कुछ खास नहीं हुआ, उसके बाद पापा ने और मम्मी ने मुझे हॉस्पिटल लेके गए, दिल्ली में आनंद विहार में कोई हॉस्पिटल है वहाँ पर लेके गए डॉक्टर को दिखाने, ठीक है। सो डॉक्टर से मैंने मिला, मैं डॉक्टर से मम्मी पापा भी मिले, तो मैंने डॉक्टर से बोला कि मैं गई हूँ ये सब, और पता नहीं मेरे मतलब मम्मी पापा को कुछ और गलत फहमी हो रही है, तो प्लीज़ आप जैसे हो सके इनको समझा दीजिए अच्छे से। तो उन्होंने क्या किया, उनको एक्सप्लेन तो किया बट शायद डॉक्टर की बात भी उनको समझ में नहीं आई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग घर आ गए, और फाइनली क्या हुआ कि मम्मी तो वैसे भी बहुत ज़्यादा सैड रहती थी, और मेरी जो बड़ी वाली दीदी थी मैं कह सकता हूँ कि वो कहीं ना कहीं उनको ये करना चाहिए था, मैं कह नहीं रहा हूँ कि उनकी गलती है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि उनको इस तरह से नहीं बताना चाहिए था कि मेरी मम्मी को दुख हो सुन के। उन्होंने बता दिया, चलो ठीक है बता दिया, लेकिन इस तरह से नहीं बताना चाहिए था कि उनको एकदम मतलब ऐसा बताना चाहिए था कि ठीक है कोई बात नहीं जो है सो है, इससे हिम्मत बनती है उनकी। बट उन्होंने इस तरह की से बताया कि मम्मी शायद और अपने आप को टूट गई मम्मी, इस तरह से बताया उन्होंने, तो मम्मी बहुत ज़्यादा दुखी रहती थी, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। फिर फाइनली क्या हुआ कि हम लोग कानपुर चले गए, ठीक है। मैं यहाँ दिल्ली में रहता हूँ बट मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, कानपुर की साइड हम रहते हैं तो उधर का रहने वाला हूँ। तो जैसे ही मैं अपने घर गया, सो वहाँ पर हमारा घर है, ठीक है। तो जैसे ही मैं गया तो वहाँ पर भैया कहते तो थे कि हाँ मेरे एग्जाम वगैरह हो गए थे तो घूमने ले गए थे, बट एक्चुअली वो घूमने हम लोग नहीं गए थे,
इस बार गए थे हम मेरा इलाज करवाने। जी हाँ गाइज, मुझे खुद पहले पता नहीं था कि ऐसा होना है, बट ठीक है, मैंने कहा चलो घूम लेंगे। और जब वहाँ गया तो पता चला कि भाई ये लोग तो मेरा इलाज करवाने, तो मेरे जीजू थे, ठीक है, मेरे जीजू हो गए, मेरे चाचा, मतलब फिर तो मेरे फैमिली पूरे को पता चल गया था, मेरे चाचा चाची बड़े ताऊ ताई जो भी थे, मतलब पूरे परिवार को पता चल गया था मेरे, ठीक है, मेरे बारे में। तो भैया सब ने अपनी अपनी तरफ से जो जो कर सकते थे वो किया। फॉर एग्ज़ाम्पल कई लोग तो कहते थे कि कुछ, मतलब वो नहीं कहते काला जादू जैसी चीज़ें, या कह सकते वशीकरण, ऐसी कुछ चीज़ें हुई हैं, ठीक है, तो उसका भी इलाज भाई मुझे एक बाबा के पास ले गए। देखो मैं साइंस स्टूडेंट हूँ, मैं ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ बाबा बाबा के चक्कर में, बट वो कहते हैं ना कि मैं हमेशा से लोगों को यही कहते आया था कि आप इन बाबाओं के चक्कर में ना फंसिए, ये लोग सिर्फ पैसा लेंगे आपका और ऊपर से कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ जो कि मैं दूसरों को रोकता था वो खुद मेरे साथ हो रही थी, तो ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लग रही थी अंदर से, और एक तरफ से मेरे आंसू से निकल रहे थे। मतलब मैंने कहा ठीक है यार, मैं मन नहीं करता, बाबा को देख के गुस्सा आ रहा था मुझे, ये क्या कर रहा है। ये भी नहीं कि वो बाबा उनसे कहे कि हाँ ठीक है ये सब, उसने तो और दो चार पुड़िया दवाई दे दी और कुछ पता नहीं क्या उसका वो है नींबू लिया उसने मेरे मुंह पे रखा और उसको काटा, तो उसमें दो चार चावल के दाने निकल आए। तो ऑब्वियसली बात है मुझे उसने देखने नहीं दिया बाबा ने, क्योंकि जैसे एक मिरर रखा हुआ था शीशा, तो मैं उसकी तरफ देख रहा था, तो वो मुझे उसको देखने ही नहीं दे रहा था, कि क्योंकि भाई अगर मैं देखूंगा ही नहीं तो मुझे क्या पता मेरे मुंह के अंदर क्या डाल रहा है ना। तो उसने कुछ ऐसे ही किया कि नींबू के अंदर पहले से थोड़ा सा छेद करके चावल को अंदर घुसाया है, और उसके बाद मेरे मुंह पे रख दिया और निकाला मुंह से, और उसने कहा कि ये देखिए चावल आपके आए हैं। मतलब मुझे खुद इसने बाबा ने देखने नहीं दिया, मुझे साफ पता था कि भाई डोंगी है। तो क्या हुआ कि उसने चावल को नींबू को काटा, उसमें चावल के दाने दो चार निकले, वो कह रहे कि देखो देखो ये चावल उसने खाए हैं, किसी ने खिलाए हैं मतलब, और उसी वजह से ये किसी के वश में हो गया, इस तरह की चीज़ें बोली उस बाबा ने। तो भैया मैं क्या बताऊँ, और मेरे जीजू थे और मेरी मम्मी थी, वो थोड़ा बाबा बाबा को ज़्यादा मानते हैं ज़्यादा, तो उन्होंने क्या कि भाई हाथ जोड़ के ऐसे बैठ गए बाबा के सामने। तो मैं क्या बोलूँ मैं, मतलब ठीक है, मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था यार, सच बोलूँ तो उस टाइम पे मुझे इतना दुख कभी भी नहीं हुआ, क्योंकि मैं जिस चीज़ के लिए लोगों से रोकता था कि ये अंधविश्वास में मत पड़िए, वो सारी चीज़ें मेरे साथ हो रही, तो मुझे कहीं ना कहीं बहुत गलत हो रही थी, लग रही थी, ठीक है। सो क्या हुआ गाइस कि मैंने ये सारी चीज़ें हुई तो मुझे दुख हुआ, ठीक है भाई, फिर फाइनली हम घर आ गए। सो घर आ गए, मुझे सच बताऊँ तो मैं रोया नहीं था, लेकिन मैं अंदर से बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था उस टाइम पर। तो जैसे ही मैं घर आए तो मैंने कहा ठीक है अब हो गया तसल्ली बाबा को, तो उसने बाबा ने दो चार पुड़िया दी थी, वो ऐसी मुझे नहीं लगता कि वो ज़्यादा कुछ दवाई होगी, वो ग्लूकोज वगैरह की थी, ठीक है, ऐसी उसने दे दी थी बना के। तो क्या हुआ कि मेरे घर वाले समझने लगे फिर कि मेरे फ्रेंड ने, यानी मेरा कोई, मतलब जिसने वो कहा ना बाबा ने कि चावल खिलाए, तो ऐसा कोई मेरा फ्रेंड होगा जिसने मुझे खिलाया। तो मेरे घर वालों ने क्या किया कि मेरे दोस्तों से ज़्यादा बात करना या उनसे कॉल पे बात करना या ज़्यादा मिलने पे बंद कर दिया, कि नहीं घूमना है कहीं पे भी और बात नहीं करनी है। मतलब ये चीज़ें हुई ना, मुझे मेंटली बहुत टॉर्चर करने लगी थी, क्योंकि यार जो भी चीज़ें हो रही थी बहुत जल्दी थी, मैं अपने घर वालों को इसीलिए जल्दी नहीं बताना चाहता था क्योंकि मैं समझता था कि वो गलत समझेंगे और इसी वजह से मेरे पास बहुत सारी रोक टोक हो सकती है। तो आपको मेरे स्टोरी से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कि आपको ये गलतियाँ नहीं करनी है, ठीक है। सो फाइनली क्या हुआ कि जैसे ही मेरे ऊपर वो रोक टोक लगी ना, तो मुझे ऑनेस्टली बताऊँ ना, तो मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं सच्ची में किसी जेल में हूँ। मतलब घर भी जेल की तरह लगने लगा, क्योंकि हम जब बात नहीं कर सकते हैं ना, किसी से दोस्तों से मिल सकते हैं, तो क्या मतलब हुआ यार, हम कब तक एक घर में बंद रहेंगे। तो ये चीज़ें मुझे बहुत टॉर्चर करती थी। तो फाइनली अब तो ठीक है, मतलब धीरे धीरे वो टाइम आया जब मैंने कहा कि भाई ऐसे मैं नहीं रह सकता हूँ, तो मैंने धीरे धीरे जाना घूमना शुरू किया। बट अभी भी यार वो चीज़ें पहले जैसी नहीं है कि हाँ हो गई हैं पहले जैसी, बट फिर भी अब सच बताऊँ तो मेरा मन ही नहीं करता किसी से बात करने का। तो ये चीज़ें हुई। सो फाइनली मैंने आपको बता दिया है कि क्या क्या हुआ। हाँ, उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया था, जब बाबा के पास आए थे उसके बाद से फिर मुझे वहाँ के डॉक्टर के पास भी ले गए थे। वहाँ के डॉक्टर ने भी देखा और उन्होंने दो चार मेडिसिन दी थी ऐसे ही, बट डॉक्टर ने ये भी बोला था कि ये चीज़ें नॉर्मल है, जो कि यहाँ के डॉक्टर ने भी यही बोला था आनंद विहार में कि ये चीज़ें नॉर्मल है, घर वालों को समझाया था, ठीक है। तो वहाँ पर भी डॉक्टर ने एक दो मेडिसिन ज़रूर दी थी, बट उन्होंने समझाया था कि ये चीज़ें ठीक हैं, अब बस ये मेडिसिन खाते रहो, बाकी उन्होंने ऐसा कुछ वो नहीं कहा कि ये है या वो है, तो न्यूट्रल रहा उनकी तरफ से, ठीक है। तो वो चीज़ें हुई, तो मैंने कभी मेडिसिन खा के क्या हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने खाई वाई एक दो चार गोली, ज़्यादा नहीं खाई। तो गाइज लिटरली क्या हुआ उसके बाद, तो ये चीज़ें हुई जो मैंने बताया, और उसके बाद एक और चीज़ है, क्या कहते हैं उसको, स्वर्ण भस्म करके एक मेडिसिन थी जो मेरी मम्मी को पता नहीं किसने बोली थी लेने के लिए, शायद किसी डॉक्टर ने ही बोली होगी, तो या फिर किसी वैद्य वैद्य ने बोली होगी। तो वो चीज़ काफ़ी महंगी आती है जो कि, है ना, तो वो मम्मी मुझे खिलाने लगी हैं ऐसी, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हुई। तो मैंने भी खाता गया, मैंने कहा चलो एक डेढ़ महीने तक मैंने खाया उसको,
फिर ख़त्म हो गया था, तो दूसरा भी लाई थी तो मैंने खा लिया, ठीक है। तो फाइनली मैं बहुत ज़्यादा टॉर्चर होने लगा था अंदर अंदर, देन मैंने कह दिया था कि मैंने साफ साफ बोल दिया था कि फिर मैं कि कितना भी खिला लो इस सबसे कुछ नहीं होगा। तो मतलब वो एक टाइम था जब मैंने सब कुछ बता दिया था कि मैं नहीं होने वाला हूँ, मैं जैसा हूँ वैसे ही रहूँगा और मैं खुश हूँ यार, सबसे ज़रूरी ये चीज़। उनको ऐसा लगता था कि मैं खुश नहीं हूँ, इसी वजह से शायद वो भी परेशान थे, बट मैंने बता दिया था उनको। तो फिर उनका रिएक्शन था कि चलो ठीक है। तो अब ये सवाल आता कि क्या उन्होंने मुझे एक्सेप्ट कर लिया ऐसे ही? तो इसका जवाब है हाँ भी और नहीं भी। देखिए गाइस, उनको अब साफ साफ चीज़ें पता चल चुकी हैं जब से मैंने बताया अपने घर वालों को, बट वो ये नहीं कहते हैं कि तुम किसी से मिलो या मत मिलो, समझ रहे हैं आप लोग? मतलब वो बस ये कहते हैं कि कुछ मतलब जॉब, मतलब जो कहते हैं कि अपने करियर पे ध्यान दो, इस तरह की चीज़ें उन्होंने बोली हैं बस। इसके अलावा उनका न्यूट्रल है, मतलब उनको पता है सारी चीज़ें और उनको ये भी पता है कि हाँ अब ये ऐसा ही है, ये गे ही है, उनको सारी चीज़ें समझ में आ चुकी हैं आज के टाइम में, इसलिए वो अब वो टॉर्चर नहीं करते हैं कि ये नहीं करना वो नहीं करना है। बट वही है कि शायद कोई भी पेरेंट्स होगा तो शायद उसको टाइम लगता है इन सारी चीज़ों को। ऐसा नहीं कि मैं समझाने की कोशिश नहीं की होगी, मैंने बहुत कोशिश की है, लेकिन वही है कि धीरे धीरे उनको समझ में आई हैं चीज़ें। तो फाइनली आज के डेट में अगर आप पूछोगे तो एकदम फ्री हूँ मैं और मुझे कोई भी स्ट्रेस जैसा चीज़ नहीं है और उनको भी पता है दैट आई एम गे। सो वो एक्सेप्ट करें या ना करें इससे मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है और मैंने एक चीज़ डिसाइड कर ली है कि उनको पता है कि मैं लड़की से शादी नहीं करने वाला हूँ, ये भी उनको पता है, ठीक है। तो वो ये सोचते होंगे कि ये अपने करियर पर ध्यान दे ले, उसके बाद इसको जो मर्जी है वो करे, वो ऐसी चीज़ें शायद उनको हैं उनके दिमाग में, ठीक है। तो आपके टाइम पे एकदम ठीक हो गया सब कुछ। तो जब जैसे जैसे मैंने बताया ना, उसके लगभग 6 महीने तक मैं बहुत ज़्यादा ऐसे टॉर्चर हुआ था एक तरह से, ठीक है। सो अब बात करते हैं कि मैंने तो ये स्टोरी बता दी आपको, बट आज के टाइम में सारी चीज़ें फ्री हैं, सब उनको पता और वो एक्सेप्ट भी करते हैं काफ़ी हद तक, ठीक है। सो अब बात करते हैं कि आपको क्या करना है, और मुझे पता कि अभी तो वो एक्सेप्ट करें, वैसे भी 90% तक उन्होंने कर लिया, जो 10% धीरे धीरे कर लेंगे, ठीक है। अब आपको क्या मिस्टेक नहीं करनी है, मेरी बात ध्यान से सोचिए। मेरी स्टोरी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी। सबसे पहली चीज़, आपको डायरेक्ट घर में जाकर ये नहीं कह देना कि मैं गे हूँ, मैं ये हूँ, मुझे लड़के पसंद है, ये चीज़ें करोगे तो वही होगा जो मैंने बताया, ठीक है। सबसे पहले मैंने बताया आपको कि अगर आप टीनेजर है तो आपको बिल्कुल नहीं बनाना है, पहले आप थोड़ा बड़े हो जाइए, आपकी शादी की उम्र हो जाए या फिर आपका करियर बन जाए, उसके बाद आप बताइए उनको। टीनेजर में सिर्फ अपने करियर पर फोकस कीजिए, ठीक है। और आपको एक चीज़ बता दूं कि आप धीरे धीरे उनको एक्सप्लेन कीजिए। सबसे पहले आपको घर पे उसी मेंबर को बताना जो आपको लगता हो कि सबसे ज़्यादा समझेगा इस चीज़ को, सबसे पहले उसको बताइएगा और डायरेक्ट मत बताइएगा, पहले उन चीज़ों के बारे में बताइएगा कि ये क्या होता है, लेसबियन क्या होता है, ये सारी चीज़ें। सबसे अच्छा तरीका है किसी मूवी के थ्रू आप उनको भेज सकते हैं, उसमें काफ़ी कुछ बता देते हैं, ठीक है। सो उन पर ज़्यादा भरोसा होता है, तो वो चीज़ें कर सकते हैं और धीरे धीरे बताइए उस पर्सन को। एक दिन में नहीं बता देना, धीरे धीरे टाइम लेके जब आपको लगे कि वहाँ से हाँ पॉजिटिव साइन आ रहा है, अगर आपको लगे कि नहीं वो नहीं समझ रहा तो आगे मत बताइए उस बंदे को, ठीक है। सो जब आप उसको एक को बता देंगे तब उसको ये भी कहिए कि आप घर वालों को ना बताएं, वरना वो परेशान हो जाएंगे, जो जैसा कि मेरे स्टोरी में हुआ। धीरे धीरे करके आप उनको समझाते जाएंगे और चीज़ें वो जैसे देखेंगे आप एलजीबीटी के बारे में और ज़्यादा चीज़ें जानेंगे ना, तो खुद उनको अच्छा लगने लगेगा, अच्छा फील होने लगेगा, नॉर्मल लगने लगेगा। तो ये चीज़ें होंगी आपके साथ में, तो आपको यही चीज़ करनी है, हड़बड़ी नहीं करनी, आराम से बताइए, लेकिन बताइए ज़रूर। ट्रस्ट में गाइस, भले मेरे साथ इतना कुछ हुआ हो, लेकिन जैसे ही मैंने अपने घर में सबको बता दिया ना कि मैं गे हूँ, मेरे से ऐसा लग रहा था मेरे माइंड से पूरा स्ट्रेस चला गया। मतलब सच में ऐसा लगता है पहली बार लाइफ में कि मैं बहुत बड़ा कोई बोझ हल्का हो गया और मेरे मन का, मैंने सब कुछ बता दिया, मैं फ्री फील कर रहा था, एकदम आज़ाद, फ्रीडम फील हो रही थी मुझे ऑनेस्टली। तो तब मुझे एहसास हुआ कि उस टाइम पे भले मैं थोड़ा टॉर्चर हुआ, बट फाइनली मेरे मन से हमेशा के लिए जो एक मन में जो भरी हुई थी बातें थी ना, स्ट्रेस था, वो गायब हो गया लिटरली। मन बहुत शांत हो गया था। आप लोग खुद बता के जब देखेंगे ना तो आपको खुद एहसास होगा, ऐसा लगता कि हम पता नहीं कौन सा बोझ लेके घूम रहे हैं, ऐसा लगता था। बट फाइनली मैंने बता दिया। तो आपको क्या करना है कि धीरे धीरे बताना है, पहले उस बंदे को बताना जिसको आपके लगे कि पहले ये समझेंगे, उस तरह से धीरे धीरे चीज़ों को बताना, देन उसके बाद बताना कि हाँ मैं हूँ, और उसके बाद थोड़ा बहुत वो लोग करेंगे क्योंकि वो आपके पेरेंट्स हैं, वो जितना कोशिश करेंगे डॉक्टर डॉक्टर के पास ले जाने की, आपको जाना होगा, इसमें कुछ गलत नहीं, आप जाइए और कोशिश कीजिए उनको जितना अच्छे समझा पाएंगे ना उतना अच्छा होगा। आप समझाने की ज़रूर कोशिश कीजिए, ऐसे चिल्ला के नहीं, चीख के नहीं, आराम से समझाइए, तो वो ज़्यादा समझेंगे, ठीक है। सो ये चीज़ें हैं, आपको ये चीज़ें करनी है, और जो भी वो कहते हैं डॉक्टर वॉक्टर वो भी आप कर लीजिए, क्योंकि एक तरह से उनको भी तसल्ली हो जाएगी ना इस चीज़ में, है ना। तो ये है चीज़ें, और बताना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये नहीं कि भाई बिना बताए एक मन के अंदर बोझ पूरी ज़िंदगी लेके मत दबिए, और अगर आप बताएंगे नहीं तो लाइफ में आगे कैसे बढ़ेंगे, है ना। कुछ लोग ऐसे समझते हैं कि मैं बताऊंगा नहीं, मैं डायरेक्ट किसी पार्टनर ढूंढ के उसके साथ सेटल हो जाऊंगा, तो ऐसा मत कीजिए, ठीक है। आप सबकी फैमिली की सिचुएशन अलग होती हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरे मम्मी पापा ज़्यादा हो जाएंगे, देखो ये इंडिया है, मेरे मम्मी पापा भी ये सब हुआ जो मैंने बताया आपको, है ना, तो इनके लिए भी आसान नहीं था, पर धीरे धीरे वो चीज़ें आसान और नॉर्मल हो जाती हैं, ठीक है। और ये भी सच है कि जैसे ही आप किसी पार्टनर के साथ जाएंगे रिलेशनशिप में, तो घर वाले आपको पहले एक्सेप्ट नहीं करेंगे, पर धीरे धीरे जब उनको लगेगा ना कि हाँ अब कोई उम्मीद नहीं है, अब कोई चांस नहीं है, तो वो खुद आपको एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि वो आपके पेरेंट्स आपसे बहुत प्यार करते हैं, धीरे धीरे टाइम के साथ एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है।
सबको जरूर बताना है और इस तरह से बताना जैसे मैंने कह दिया है, ठीक है। तो डॉक्टर के पास भेजे तो आप उनको भी यूज़ कीजिए, कुछ मेडिसिन देगा डॉक्टर वो भी खा लीजिए, बट एक तरह से उनको तसल्ली रहे कि हाँ भाई हमने अपनी तरफ से कोशिश कर ली है। और सबसे ज़रूरी चीज़ आप उनको ये बता दीजिए कि ठीक है आप जो भी कर कर लेते हैं, लेकिन साथ साथ आप उनको सारी चीज़ें बताते जाइए कि आप खुश हो। सबसे ज़रूरी चीज़ आप उनको खुश देखो, अगर आप उनको खुश देखोगे ना उनको लगेगा कि हाँ सर चीज़ें सीढ़ी गई, ठीक है। बाकी आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं, बट मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि आप प्लीज़ अपने घर वालों को ज़रूर बताइएगा, बट अभी नहीं, जब आपका शादी का टाइम आने लगे या फिर आप करियर पे फोकस करने हो जाए आपका उसके बाद, ठीक है, टीनेजर में नहीं। तो ये था आज की इस वीडियो में। आई होप आपको मेरी स्टोरी से काफ़ी कुछ सीखने को मिला हो, काफ़ी कुछ सीखा हो आपने कि अपने लाइफ में किस तरह से करना है, जो चीज़ें मैंने हड़बड़े में की हैं वो नहीं करना है। और फाइनली आज की डेट में अगर आप पूछोगे ना तो मैं बहुत फ्री फील करता हूँ, बहुत आज़ाद फील करता हूँ। तो अगर जिस दिन आप बता देंगे ना तो आप भी बहुत फ्री फील करेंगे। फाइनली आज की इस वीडियो में इतना ही है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए। मेरा इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, चलिए बाय बाय।